गुरुग्राम पुलिस ने टीवी स्क्रीन पर स्ट्रे डॉग के साथ क्रूरता करते इन चार गार्डों के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज, इन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल बीती 22 मई की देर शाम इन चारों गार्डों ने सेक्टर 66 की पॉश सोसाइटी में रहने वाले इस स्ट्रे डॉग को प्लास्टिक के बैग में बंद कर कहीं दूर फेंकाए थे। प्लास्टिक बैग में दम घुटने के कारण सुबह तक इस कुत्ते की मौत हो गई। पुलिस की माने तो पशु प्रेमी की शिकायत पर इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना में शामिल सभी सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने एक स्ट्रीट डॉग को और बेरहमी से पीट के मार के और पॉलीथीन में डाल के फेंक दिया, जिसके संबंध में हमने सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें शामिल जो चार लोग शामिल थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। उनको शामिल जांच कर लिया है जो उस वहीं सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करते थे और उसमें जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की जाएगी। इमार सोसाइटी है गोल्फ कोर्स रोड पर, ये वहाँ की घटना है। इनके नाम हैं उमेश छुट्टन, भूपेंद्र गौतम और प्रवीण कुमार, ये सिक्योरिटी में काम करते हैं वहाँ सोसाइटी में। वो लोग ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 120 भी और 428 IPC के तहत इन्होंने शिकायत दी थी, जिसके तहत हमने FIR दर्ज। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।